सो फाइनली गाइस, यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट के मन में जिज्ञासाएं जो है काफ़ी उत्सुक होती चली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ने काफ़ी न्यूज़ में के माध्यम से आप यहाँ पर सुन पा रहे होंगे कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस दिन जारी होगा, यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस तारीख के बाद जारी हो सकता है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर आपको अभी तक जितने भी मैसेज मिले होंगे सभी यहाँ पर एक अनुमानित डेट वाले ही मैसेज मिले होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर एक्चुअली बोर्ड रिजल्ट कब जारी करेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऐसी भ्रामक खबर पर आप जो है नोटिस ना करें जिसमें आपको एक कंफर्म डेट अभी से ही बता दिया जाए कि फला डेट को जो है आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब तक यहाँ पर यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीखों की घोषणा नहीं करता है तब तक आप यहाँ पर देखेंगे, जितने भी आप वीडियो देखेंगे सभी में आपको एक अनुमानित डेट ही बताया जाएगा। उसी की समक्ष यहाँ पर मैं आपको एक जागरण की न्यूज पत्रिका पर ले चलूंगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, इसमें भी एक अनुमानित ही डेट इन्होंने भी सिर्फ आशा किया है कि इस डेट के बाद रिजल्ट जारी हो सकता है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जब तक बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया जाता, बोर्ड खुद तारीखों का ऐलान नहीं करता है, तब तक किसी की भी तारीखों का यहाँ पर आप कन्फर्म ना माने। तो वैसे भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो है काफ़ी लेट हो रहा है। अब क्योंकि जून के महीने में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अनुमान जो लगाया जा रहा है वह 20 जून के पहले पहले लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अब आपको दिखा देते हैं जो यहाँ पर एक अनुमानित डेट इन्होंने भी बताया है, जैसा कि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। बोर्ड परीक्षा का परिणाम जानने के लिए बेकरार लाखों विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 जून 2022 के बाद घोषित किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी नतीजे जारी होने की तारीख है कि जो है नहीं घोषित नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने भी कन्फर्म यही बता दिया है कि जब तक बोर्ड यहाँ पर तारीखों की ऐलान नहीं कर देता है तब तक यहाँ पर कोई भी डेट आप कन्फर्म ना माने। तो जैसे यहाँ पर बोर्ड तारीखों की ऐलान करेगा तो कन्फर्मली वहाँ पर उसी डेट को जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो एक अनुमानता डेट है 20 जून, हो सकता है कि 20 जून के पहले पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 20 जून तक जो है रिजल्ट को जारी कर देना ही उचित यहाँ पर होता है। अब जैसे यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा तो उसका डायरेक्ट लिंक हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दोनों का ही साइटों का लिंक अभी भी बता देता हूँ, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उस लिंक को भी दे दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं UPMSP और UPResult.NIC दो साइटें हैं जिसके माध्यम से आप सभी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों रिजल्ट जारी हो जाने के बाद अगर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के रिजल्ट में समस्या आती है तो उनको जो है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1800180530। उसके बाद दूसरा नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं 1800180530312। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ आपको नंबर दिख जाएंगी, इन नंबरों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अगर भविष्य में आपके यहाँ पर रिजल्ट जारी होने के बाद कोई दिक्कत होती है तो इन नंबरों पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। यूपी रिजल्ट चेक करने की जो पहली साइट है, डायरेक्ट लिंक की साइट है, वो है UPResult.NIC.in। और यहाँ पर आप आएंगे दोस्तों तो इसमें देख सकते हैं पिछली परीक्षा का रिजल्ट का लिंक आपको यहाँ पर एक्टिवेटेड दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे रिजल्ट जारी होगा यहाँ पर 2022 का जो है जारी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो पिछली परीक्षा का अनाउंसमेंट डेट था रिजल्ट का वो था 31 जुलाई, और अब यहाँ पर आपके जो है डेट बताई जा रही है 20 जून तक। तो लमसम यहाँ पर आपके रिजल्ट आने के जो है काफ़ी देर भी हो चुकी है। तो पहला लिंक कह रहा दोस्तों, और मैं आपको पहला और दूसरा लिंक दिखा देता हूँ जो कि ये है UPMSP डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की। इसके माध्यम से भी आप सभी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जैसे कि इस इंटरफेस पर आने के बाद उसको आपको इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे 3 लाइनें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे महत्वपूर्ण लिंक आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है बोर्ड, उसके बाद लॉगिन। तो यहीं पर ही दोस्तों हमें जो है ऑप्शन मिल जाता था परीक्षा फल का देखने को, बट उसे अभी यहाँ पर उसे हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जब जारी होगा तो वो लिंक यहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास पुराने वीडियो की स्क्रीनशॉट है आपको दिखा दी, ताकि आप लोग यहाँ पर कंफर्म हो लो कि ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी फेक नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इससे दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे हमारे पुराने ही वीडियो से। तो देखिए होम, लॉगिन, बोर्ड, उसके बाद परीक्षा फल, निर्देश जानकारी।
तो परीक्षा फल का इस तरीके से आपको पोर्टल वहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाएगा पोर्टल पर, इस पर आप क्लिक करके जो यहाँ से भी आप अपना रिजल्ट डाउनलोड जो है कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे, साथ ही आपको रिजल्ट किस तरीके से डाउनलोड करना है उसका भी फुल वीडियो आपको जरूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी आई हो लगी हो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, साथ ही आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।